नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन जागल और आप देख रहे हैं हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि सीएससी में एक ऐसी स्कीम या सर्विस कहें जो ऐड हुई है, जो कि सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और आप इतना कमीशन कमा सकते हैं जो कि ना कि आप आधार में वर्क करके कमा पा रहे थे, न पीएमजी दिशा में कमा पा रहे, मतलब कि सबसे ज़्यादा कमीशन ऐड देने वाली और सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल ये स्कीम होगी। बहुत ही बेहतरीन, अपना ऐसे आप पेशा भी बना सकते हैं। सीएससी बहुत सारी स्कीम है, बट वो बहुत सारी फालतू की स्कीम है, बट जो अब स्कीम आई है बहुत ही बेहतरीन स्कीम आई। इसके लिए इससे अगर आप थोड़ा सीखेंगे तो आप बहुत ही पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में जो कि ऐड हुई है सीएससी में। उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम काम बता देते हैं। सबसे पहला आप कर सकते हैं किसी भी कंपनी का या किसी बंदे का आप जीएसटी खुद से रिटर्न भर सकते हैं। और पहले भी ऑप्शन था, बट ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में ऑप्शन आया, मैं आपको समझाऊंगा अभी। और उसमें बहुत सारा कमीशन आप कमा सकते हैं, 200 रुपये तक कमीशन है, किसी किसी सर्विस में 300 रुपये भी कमीशन है। उसमें डिपेंड करता है किस टाइप का आप रिटर्न फिल कर रहे हैं, कंपोजिट स्कीम वाला या रेगुलर वाला, ठीक है। तो इसमें 200-250 रुपये कमीशन आपका पा सकते हैं। और दूसरी स्कीम बात करें, आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाते थे तो आप डिजिटल सिग्नेचर आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, खुद का या किसी पर्सन का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमीशन दिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन सा। और हम तीसरे की अगर बात कर लेते हैं तो वो है आपका कंपनी, प्राइवेट कंपनी आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं किसी की भी। कोई अगर बंदा कंपनी स्टार्ट करना चाहता तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं सीएससी सेंटर से। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो चलो सुबह चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। और यहाँ पे आपको जाना होगा सेकेंड पेज पर, ठीक है। सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप जाइएगा सेकेंड पेज पर। और जैसे सेकेंड पेज पर जाते हैं आपको यहाँ पे टैक्स लिखना होगा। जैसे टैक्स लिखते हैं टैक्सेशन सर्विस आ जाता है, टैक्स जीनियस अदर, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और इसका पेज रीडायरेक्ट होगा। इस पर सारी सर्विस ऐड हुई है अभी, तो देखिए टैक्स जीनियस सर्विसेज कितनी है। इनकम टैक्स फिलिंग कर सकते हैं, नो योर TDS जान सकते हैं, IT नोटिस कंप्लेंस एंड GST रिटर्न, जिसकी हम बात कर रहे हैं GST रिटर्न फिलिंग एंड TDS रिटर्न फिलिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड LLP या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी कंपनी का आप। तो हम बात करते हैं इसमें अलग अलग, हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए GST रिटर्न के लिए और डिजिटल सिग्नेचर के लिए और ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले आप देख लेते हैं एक ओवरव्यू GST फिलिंग पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटे आ रही थी। अगर आप खुद का भी भरना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खुद का भी भरने के लिए। तो आपको सिंपल बस ये फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले सब उधर अपना अगर आप भर रहे हैं मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर टैक्स पेयर का नेम, उसका GST नंबर, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, ठीक है, मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर, अपना नंबर, VLE मोबाइल नंबर, इसमें भी अपना ही पड़ेगा, आपकी ईमेल ID अगर अपना आप भर रहे हैं तो। अगर पर्सन का भर रहे हैं तो सारा पर्सन का डिटेल यहाँ देना होगा, स्टेट, टैक्स पेयर टाइप, रेगुलर है, कंपोजिशन, GST फ्रीक्वेंसी, किस मंथ का भर रहे हैं आप, फॉर्म टाइप GST 1 या 2, 3 जो भी भर रहे हैं, सारे ऑप्शन भी आएंगे अगर आप ये फिल करते हैं तो। आप उधर चलो मैं एक एग्जांपल के लिए फिर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मंथली टैक्स टाइप आता है, आप किस टाइप का भरना है आपको, टैक्स पीरियड किस मंथ का भरना है, नंबर ऑफ इनवॉइस कितनी है, GST यूजर ID क्या है, ठीक है, GST और टैक्स पेयर स्टेटस क्या है इसका, VLE है या सिटीजन, देखो यहाँ दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है। और अपलोड GST एप्लीकेशन, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, अपलोड GST या एक्सेल फाइल कहाँ से मिलेगी, ये सब आपको पहले से आप प्रोवाइड करवा रखी इन लोगों ने। GST एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे इस पर क्लिक करें एक डाउनलोड हो जाता है फॉर्म, उसको फिल करके आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। और GST R1 एक्सेल फॉर्मेट ये भी डाउनलोड होता है, ये अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन GST R3 भी का फॉर्म काम कर रहा है, इसको डाउनलोड करिएगा, सारी एंट्री करिएगा, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये GST R1 3B, तो इसका पूरा फॉर्मेट इन्होंने बना के पहले से दे रखा है, आप इसको भर सकते हैं और आसानी से इसको पूरा कंप्लीट कर लें ऑफलाइन। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसमें भर के प्रिंट आउट निकाल लें, उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया गया GST रिटर्न भरने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल बताऊंगा सारा, तो अभी मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। इसमें कमीशन भी दोस्तों बहुत अच्छा है, आप यहाँ से 590 रुपये अमाउंट पे करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको इसमें कमीशन 250-250 रुपये मिलने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन सर्विस इसमें ऐड हुई है। और भी सर्विस अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नेचर की, तो आप डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और ये प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ, तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम ऐड हुई है CSC, तो प्लीज़ पर वर्क करिएगा, GST के बारे में थोड़ा सीखिएगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा GST के बारे में सीख लेते हैं तो अपना भी कर पाएंगे और लोगों का भर के कमाई भी कर सकते हैं। तो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सारा डिटेल बताऊंगा अलग अलग बनाकर वीडियो, तो अगर आप ये जानना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।